नमस्कार ते मैं इस वक्त राइड कर रहा ई रिक्शा की ते तुहानू दस दिया ई वर्ल्ड ऑफ अवोन यानी कि गलैक्सी बाइक दे विच असीं पहुँच रहे हैं क्योंकि इत्थे जिहड़ा ई रिक्शा ते नाल जिहड़ियां मोपड ने इलैक्ट्रिक मोपड ने ओह मिलदियां ने उन्हां बारे जानकारी लवांगे कि किस किस तरह दियां वैरायटियां ने ते की कुछ इत्थे तुहानू योजना जिहड़ियां स्कीमां जिहड़ियां मिलन जा रहियां ने की कुछ त्यौहारां नूं लै के जिहड़ा है ओह तुहानू इत्थे मिलेगा ते जिहड़े ओनर है उन्हां नाल भी गलबात करांगे ते एक आकर्षक ऑफर भी है वीडियो नूं वध तों वध शेयर करिया जे आओ आपां वेखदे हां कि गलैक्सी बाइक दे उपर की कुछ आपां नूं मिल रहा है। नाल ने गलैक्सी दे ओनर जिहड़े राहुल जी अभिषेक जी ते आयुष जी इन्हां नाल गलबात करांगे कि जिहड़ियां इन्हां दी बाइक्स ने उन्हां दी क्वालिटियां की ने ते त्यौहारां दे मौसम दे विच की उन्हां वास्ते जिहड़ियां स्कीमां लैके आए ने। सर स्वागत है तुहाडा। सारे दर्शकों नूं साडे वल्लों सति श्री अकाल ते नमस्कार, साडे शोरूम ते तुहाडा स्वागत है जी। किस तरह दी मतलब मैं तां सवारी करके आया सीगा साडे आटो दे ही ते बहुत अच्छा लग्गिया मैनूं तां। आटो दे नाल नाल जिहड़ियां बाइकां वी ने इत्थे किस तरह दी इन्हां दी क्वालिटी है ते की रेटां दे उपर चल रही है? सर इन्हां दी क्वालिटी जिहड़ी ने सब तों पहलां कंपनियां की गल करा तो साडे कोल जिहड़ी है एवन ई वर्ल्ड ऑफ एवन दे नाम तों अपने एवन दी साइकिलां भी होंदियां सी जी सर, उन्हां दा ही अगे इक वर्जन आंदा है इलैक्ट्रिकल च, ठीक है उन्होंने कहें आप ई वर्ल्ड ऑफ ए वन का इलैक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है जी। सब तो पहला जो अपना जो स्टार्टिंग मॉडल स्टार्ट होंगे वो 50,000 तो शुरू हो जाता है। हाँ जी, तुम गल कर रहे थे तो किस रेंज तो शुरू हो जाता है तो लैड है या मतलब लिथियम है जी? सर स्टार्टिंग रेंज की आप गल करिए तो स्टार्टिंग जो मॉडल आ जाता है जी वोल्ट का आ जाता है, ये स्टार्टिंग मॉडल है जी। आप चार बैटरिया की गल करिए तो 50,000 तो शुरू हो जाता है जी, ठीक है ना। इस तो ज़्यादा जी उपर जी रेंज चलती रहती है जिमें जिमें क्वालिटी वधेगी या जो फीचर बदलेंगे उमें उमें रेट बद जाएंगे। और इस दे विच है कि मतलब हैडलाइट वगैरह किस तरह के फंक्शन एज की है? सर फंक्शन बारे मैं तुम्हें दसूँगा कि भी जो आयुष जी ने अपनी सारी जानकारी उन्होंने तो लवेंगे जानकारी। तो दोस्तों पुराने टाइम की याद आ गई है, स्कूटर चलाते होंगे सके तो स्कूटर ही बिल्कुल बजाज के स्कूटर वर्गा ये लगता है तो अवोन का स्कूटर है, इंजन नहीं है, मोटर हैगी है जगह तो इलैक्ट्रिक है, खासियत बहुत ज़्यादा ने इस दियाँ। इन्हें जानकारी लवेंगे आयुष जी तो। आयुष जी पहला तो थैंक यू भी पुराने जमाने याद कराती भी इतने ब्रेक होंगे सी है ना चलता हूँ जी, इतों सारे वो करने होंगे सके क्लच वगैरह ला के है ना गेयर पाने होंगे सके खड़खड़ करता है बाइक, लेकिन हम तो सीधा करो तो चलो जी अगे है ना जी। तो जानकारी दो सर ये जी पहले अपन खड़ी कर लिए। हाँ जी हाँ जी बड़ा स्टैंड। सर सब तो पहला तो मैं इसकी जानकारी देना चाहवागा, लुक बहुत सोहनी है, A1 का मॉडल है, A1E-306 इसका नाम है, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने कह सकते हैं भी क्वालिटी वाइज कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इनकी जी बैटरी है इन 5 बैटरियां पैंदी है लैड बैटरी, तो मोटर तो अपना ये काम करेगा बैटरियां नाल चलेगा, 50 किलोमीटर की इनकी रेंज रहेगी, 50 किलोमीटर की जो है अपनी गरंटी है, चलता 60-70 किलोमीटर है, वो डिपेंड करेगा एवरेज वाइज जैसे कस्टमर चलाता है ब्रेकिंग का है। और उस हिसाब से डिपेंड करेगा जैसे पेट्रोल में हम देखते हैं एवरेज, ठीक है वही सेम सिस्टम रहेगा। दूसरा सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने इसमें क्या किया, इसमें डिस्क ब्रेक दे दी, ठीक है जी। डिस्क ब्रेक से हमको कहीं रुकना है तो और मतलब आपको ऐसा फील नहीं आएगा इसमें कि आप इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, सिर्फ एक जैसे मान लो हम बाकी व्हीकल्स चलाते हैं तो इंजन की आवाज़ वगैरह हमारे सिर में गूंजती रहती है, तो इसके अंदर क्या है ये बिल्कुल साइलेंट है, नॉइज़ फ्री है, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है। वैसे भी जानकारी दे दें भी आज NGT ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जोड़ा है पंजाब सरकार को 2,000 करोड़ का जुर्माना लगाता पोल्यूशन करके, बिल्कुल इस तरह के व्हीकल चलन इस तरह के ई रिक्शा वगैरह चलन तो पोल्यूशन बड़ा बचेगा तो सरकार जुर्माने होने तो बचणगे जी। जी सर बाकी सर ये जिम्मे मान लो कंपनी ने की किया जिमें लो मोड से हाई मोड दो मोड देते हैं, लो तो इनकी स्पीड रही 25 तो हाई तो इनकी स्पीड रही 45-50, ठीक है। तो उस तो बाद ने एक सब तो व्डा जो मैं बहुत वधिया लगता फीचर, कई बुजुर्ग बड़े चलाते हैं इन्हों बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बुजुर्ग तो यूथ इस टाइम दोवें बहुत पसंद कर रहे हैं। लुक बहुत सोहनी है। कंपनी ने इन्हें वास्ते की किया रिवर्स मोड देता, जिमें मान लो हूँ कोई बुजुर्ग बैठा है उनके को बैक करना बहुत औखा हो जाता है, कितने खड्डे रुकया है या कोई
ढलान से खड़ा है, बैक करना बहुत औखा हो जाता है। तो कंपनी ने उस वास्ते रिवर्स बटन भी देता। रिवर्स बटन नाल आपां बैक कर सकते हैं, बड़े आराम नाल रेस दे गई असी, वो पैरों नाल अगे पिछे नहीं करना पैंदा। दूजा इहदी लाइटिंग वगैरह कंपनी ने बहुत वधिया दित्ती है, मेनली सारे ए इहदे विच फीचर दिते ने। बाकी होरन वगैरह तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जिहड़ी गरंटी सर है इहदे विच, गरंटी सर मोटर कंट्रोलर चार्जर एक साल की पूरी गरंटी मिलती है आपां नूं। तो दूजे नंबर से जी बैटरियां है उन्हों की भी आपको एक साल की गरंटी मिलती है। कोई भी प्रॉब्लम आती है कंपनी आपको चेंज करके देती है। डाउट है भी कल इन पार्ट्स नहीं मिलते, सब तो वड्डी गल जी इन पार्ट्स जो भी तुहानू चाहिए सारे गलैक्सी बाइक्स से तुहानू अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, जो मर्जी तुम आ सकते हो। तो वो चीज़ तो तुहानू घबराने की कोई लोड़ नहीं है भी इन्हें कल पार्ट्स नहीं मिलेंगे या कुछ है। पहली गल तो तुहानू पार्ट्स की लोड़ नहीं पैनी, जिस हिसाब से कंपनी ने मटीरियल दिता है, मटीरियल वाइज कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बैटरी लाइफ वगैरह कितने टाइम दी है? बैटरी सर एक्चुअली क्या होता है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है कि बैटरी को किस हिसाब से चार्ज लगाना है, किस हिसाब से थोड़ी सी मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस क्या है, आपकी हर 3 महीने बाद गाड़ी की सर्विस होती है। दूसरा, एक कस्टमर को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है चार्जिंग लगाते टाइम और उतारते टाइम, अगर वो हम करते हैं तो बैटरी को कम से कम भी 2-3 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है जी, अच्छी डिग्गी वगैरह बखाऊंगे कितनी की बड़ी हैगी है जी? ये सर इनकी डिग्गी है, आ सर इनका चार्जर आ गया, एमटेक का कंपनी ने चार्जर दिता हुआ है पिछे, जेहड़ा कि एमटेक अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे टॉप की क्वालिटी चल रही है। आमतौर पर चार्जर की बड़ी प्रॉब्लम? हाँ जी, ये सर एमटेक का है, इन्हें अपन कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साल की अपन इनकी गरंटी मिलती है। ठीक है, दूजा सर कंपनी ने की किया, इन्हें मोबाइल चार्जिंग वास्ते भी ये देता। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली आप बड़ा सौखा है इनका, इन सीधा चार्जिंग पॉइंट से इंस्टॉल करो, तो आपकी फोन की जी डाटा केबल है वो इतने लाओ तो फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूजा एक कंपनी ने इतने अगे देता, इतने भी तुम आपका जो फोन वगैरह है बड़े आराम नाल रख सकते हो, तो इन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। दूजा कंपनी ने की किया, कई लोगों को कहें जी साढ़े व्हीकल चोरी होंगे, जो रिमोट सेंटर लॉक देता, सेंटर लॉक के की है सर तुम इन लॉक कर दो। लॉक करन तो बाद सर जो भी आप मान लो इतों थोड़ा वध तो वध बाहर तक असं आप कढ़ सकते हैं, उस तो बाद इन्हें टायर लॉक हो जाएंगे। ठीक है, हुण इहदे नाल की है सर, जिवें मान लो आप कोई हाथ लाएगा या चक के लैके जाएगा तो वह शोर करेगा तो वैसे पता लग जाएगा भी चोरी हो रहा है। ठीक है जी, चल के जा नहीं सकता तो मतलब चोरी होने के कोई चांसिस नहीं है जो तुम इनू रिमोट नाल लॉक कर सकते हो। दूजे नंबर से अगर तुहाडे कोल रिमोट है तुम इत्थे बैठे बैठे इनू स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट करने वास्ते तुसी इन्हें डबल क्लिक करना है तो स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी फैसिलिटियां ने है जी। हाँ जी, नवी तो नवी टेक्नोलॉजी आ रही है इस ये सारा सर ये रिमोट नाल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इन्हों उपर इन्हों उपर लोन वगैरह की फैसिलिटी जी वो तुसी दे रहे हो? सर लोन वगैरह आपको सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहे बजाज फाइनेंस से कराओ, HDB से करवाओ, वो आपका सारा जो भी आपका सिबल स्कोर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लोन कहाँ से होगा। ठीक है, आयुष जी जानकारी भी दे दो दर्शकों को कि किस जगह पर अपना शोरूम है जोड़ा बनया है तो तुम किस नंबर के उपर संपर्क कर? सर अपना जो शोरूम है अबोहर में है, हकीकत राय चौंक ओपोजिट यू जीवन बैंक। अगर आपको फ़ोन आप कॉल करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे नियरेस्ट हैं तो लड़के भी आपके पास जाएंगे तो सर्विस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमारे को संपर्क करने के लिए आप नंबर लिखिए 9646968208, आप इस पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से या कुछ भी, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जहाँ से उन्होंने ली है वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आपकी कोई भी कंपनी की स्कूटी है या रिक्शा है तो आप हमारे पास आएँ, आपको पूरी कंपनी के ट्रेंड मैकेनिक्स द्वारा आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप थेफ्ट चेक कर रहे हैं कि किस तरह ये काम करती है, ये मैं ऑन कर लिया है मोपड़ तो आप चलावे, ये तो इतों ही लोक हो गई है, वैसे कहते हैं भी थोड़ा अगे जानते होएगी, इस तरह ही शोर मचाएगी तो लोक खुल जाएगा, तो उस तो बाद जो तुम चला सकते हो। ठीक है, ई रिक्शा की सवारी कर रहे हैं मैं तो राहुल जी। राहुल जी जानकारी दो, जो प्राइज लेना चाहते हैं वो किस तरह ले सकते हैं, लोन फैसिलिटी है कि नहीं, किन्ने रुपये का है, बॉडी वगैरह का मटीरियल किए?
सर सब तो पहले जानकारी दूंगा, जो अपने को थ्री व्हीलर मिलता पे है वो है टॉम टॉम कंपनी का, जरा कि जी सब तो मैं बेस्ट क्वालिटी ये लगती है कि इन्हों का जो बिल्ड मटीरियल है सब तो वधिया ने सर। ठीक है जी, हैवी क्वालिटी जो आ गया, अपना जो फ्रेम आएगा वो हैवी क्वालिटी है, चैसी जी है वो हैवी क्वालिटी जी है। ठीक है जी, जी फीचर होंगे है वो सब तो वधिया लगते हैं। ठीक है, अपन हैंड्स से जोड़ा ऑन ऑफ का सिस्टम देता जी, ठीक है ना, सेम उ जिमें टू व्हीलर से हों सेम जी सेंटर लॉक सिस्टम देता, इतने आप ऑन कर सकते हैं, सेंटर लॉकिंग ऑन कर सकते हैं, कोई अपनी गड्डी अगे पिछे नहीं कर सकता। ठीक है जी, सारा सारी चीज उ आ गई जी। किन्ने क बैटरिया है तो कि चल सकता पूरे दिन से, किन्ने किलोमीटर चल जी? सर इस जी अपनी बैटरिया होंगी है वो चार बैटरिया पैन गई, ईस्टमैन दिया बैटरिया होंगे 130 एम्पीयर दी, जिड़ी कि 100 किलोमीटर प्लस चले दी एवरेज आपको दें जी दिन से जी। मतलब एक बंदा अच्छी दिहाड़ी बना सकता है? बिल्कुल सर, बड़े आराम। कितना वजन खींच सकता है सर? ये 3 to 4 क्विंटल की जी कंपनी की अलाउंस होंगी है, 3-4 सवारियां ते एक ड्राइवर दे नाल आराम नाल खिंचेगा जी सर। कितनी स्पीड है सर इहदी? 30 to 35 दे विच इहनां दी स्पीड रहिंदी है सर। आप चार्जिंग की गल करिए कि इहनूं लाण लग्गिया मतलब कितना टाइम लगेगा ते कितनी देर च चार्ज हो जाएगा? सर चार्जिंग का मैं तुहानूं सब तो पहला गल दस्सां ते रात नूं इहनूं चार्ज लाना पेगा आपां नूं। ठीक है जी, 8 to 10 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगा अपना। ठीक है जी, रात नूं चार्ज लगाओ, सवेरे जदों आपां उठांगे नाल दी नाल आपां नूं रेडी मिलेगी चार्ज। आम तौर पर यह ई रिक्शा है ना, बरसात वगैरह हो जाता कि पानी च चल सकता है? बिल्कुल आराम नाल चलेगा सर, पर थोड़ा बहुत सेफ्टी आपको रखनी बरतनी पैनी है कि जिहड़ा अपना मोटर जी ज़्यादा पानी च नहीं ना चलाइए। ठीक है ना, नॉर्मली जो बारिश होंगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वाटर प्रूफ होंगी वैसे? बिल्कुल सर। सर आ जो मैं वेख रहा मोबाइल वास्ते लगे तो इस अलावा होर की कुछ फीचर सर? इस फीचर जोड़े है सब तो पहला अपने को हैंडल तो आ जाता है कि आप इस जो अपना मोबाइल अटैच करके रख सकते हैं कि आप बार बार मोबाइल चलाते रिक्शा चलाते टाइम आप बार बार मोबाइल जेब चो नहीं करना पैंता। वैसे एक यूज होर भी कर सकते हैं कि जाना रस्ता? बिल्कुल, गूगल मैप से भी ला सकते हैं। ठीक है जी, एक और फीचर है इस जो अपना वाइपर दिता है फ्रंट से, ठीक है ना, आराम ना नॉर्मली रिक्शा से नहीं दिता होंगे इससे सब तो जी सर, वाइपर का सब तो वाइया यूज हो जाता है जी। ठीक है जी सर, एक इस तो टॉप मॉडल आता अपना प्रीमियम मॉडल, उस अपना स्क्रीन बैक स्क्रीन कैमरा भी लगे है, ठीक है ना, फ्रंट से अपनी स्क्रीन लगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ जी बैक अपने कैमरा लगे होगा उस, ठीक है ना, बैक करन लगे अपन पिछे मुड़ के देखने की लड़ नहीं है, आराम ना आप स्क्रीन से देख के बैक कर सकते हैं। और इस अलावा की होर सर? इस जो सब तो मेन गल आ जाती है लोन फैसिलिटी की, ठीक है ना, जो अपना रिक्शा चलाने वाले जो भरा होंगे है, ठीक है ना, उन्होंने सब तो पहली प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की। ठीक है जी, तो उस चीज़ बारे दसना चाहूँगा कि भी अपना जो 1 लाख तक का लोन हो जाएगा, ठीक है ना, उस तो उपर की जी है RC बीमा की जी पेमेंट होंगी वो सारी आप एडवांस करनी पैंती है, वो डाउन पेमेंट जो आपको देनी पैंती है, 1 लाख तक का अपना लोन क्लीयर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगे जी, बहुत जानकारियां दोस्तों तुम सारे मिलिया, तो सानू दे इजाजत एक होर नवी वीडियो नाल फिर अगे होर किसी जगह से आप सारे मिलेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में वध तो वध शेयर करो ता जो प्रदूषण जोड़ा वध रहा उन्होंने बचाने वास्ते इस तरह जो व्हीकल है वह सहाई हो सकन, लोगों को ये जो ईजीली अप्रोच हो सकन। सारे ही दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।